हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत नंदीस ऑल इन वन। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अपकमिंग मेनबोर्ड आईपीओ के बारे में। कंपनी का नाम है सेंको गोल्ड लिमिटेड कंपनी। ये आईपीओ ओपन होगा 4 जुलाई 2023 को और क्लोज होगा 6 जुलाई 2023 को। तो आज हम इस कंपनी का टोटल एनालिसिस करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंपनी की शुरुआत 1994 में हुई है। सेंको गोल्ड लिमिटेड एक अखिल भारतीय आभूषण रिटेल विक्रेता है। कंपनी के उत्पाद सेंको गोल्ड एंड डायमंड ब्रांड के नाम के तहत बेचे जाते हैं। सेंको गोल्ड मुख्य रूप से सोने और हीरे के आभूषणों के साथ साथ चांदी, प्लेटिनियम, कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों और अन्य धातुओं से बने आभूषणों बेचता है। कंपनी पोशाक आभूषण, सोने और चांदी के सिक्के और चांदी से बने बर्तन भी पेश करती है। सोने के गहनों के लिए 1,08,000 से अधिक डिजाइन और हीरे के गहनों के लिए 46,000 से अधिक डिजाइन की सूची के साथ कंपनी हस्तनिर्मित गहनों को विभिन्न प्रकार के डिजाइन पेश करती है, जिनमें से अधिकांश 170 से अधिक कुशल स्थानीय कारीगरों के सहयोग से घर में ही डिजाइन और निर्मित किए जाते हैं। कोलकाता और देश भर में 31 मार्च 2023 तक कंपनी के पास 20 डिजाइनरों की टीम है। कंपनी सोने और हीरे के मशीन निर्मित हल्के आभूषणों भी बनाती है और तीसरे पक्ष के विक्रेताओं से आभूषण प्राप्त करती है। अपने एवरलाइट ग्रोसिप ब्रांड और अहम कलेक्शन आभूषण के संग्रह के माध्यम से कंपनी का लक्ष्य आभूषणों पर केंद्रित ब्रांडों का निर्माण करके भारत की युवा पीढ़ी और उभरते हुए लोगों की जरूरतों को पूरा करना है। छोटा और टिकट आकार, कंपनी के डी सिग्निया शोरूम और विवाह कलेक्शन लक्ष्य भारी या प्रीमियम डिजाइन आभूषण या अधिक प्रीमियम आभूषण रिटेल खरीदी अनुभव चाहने वाले ग्राहकों को पूरा करना है। उनके मानक शोरूम का औसतम टिकट आकार 48 लाख है। डी साइनिया शोरूम का औसतम टिकट आकार 51 लाख है और एवल लाइट शोरूम का औसतम टिकट आकार 29 लाख है प्रत्येक वित्तीय वर्ष 2023 के लिए। कंपनी के 136 से अधिक शोरूम है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 4,09,882 वर्ग फुट है, जिसमें भारत भर के 13 राज्यों के 99 शहरों और कस्बों में फैले 70 कंपनी संचालित शोरूम और 61 फ्रेंचाइजी शोरूम शामिल है। कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करें तो टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के आंकड़े करोड़ों में दिए गए हैं। साल 31 मार्च 2021 में कंपनी को 61.48 करोड़ का प्रॉफिट था। साल 31 मार्च 2022 में कंपनी को 129.10 करोड़ का प्रॉफिट था। साल 31 मार्च 2023 में कंपनी को 158.48 करोड़ का प्रॉफिट था। कंपनी का एसेट और रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रहा है। कंपनी के नेटवर्थ में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी की रिजर्व सरप्लस क्लेस 31 मार्च 2023 में 876.27 करोड़ की है। कंपनी की बोरोइंग 2023 में 1177.70 करोड़ की है, जो ज्यादा है। ओवरऑल बात करें तो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रॉफिटेबल है। कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट काफी ठीक है। कंपनी के इश्यू लाने के उद्देश्य के बारे में बात करें तो कंपनी के कार्यशील पूंजी आवश्यकता का वित्त पोषण और कंपनी सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने में करेगी। कंपनी के प्रमोटर के बारे में बात करें तो मिस्टर सुवनकर सेन, जय हनुमान श्री सिद्धि विनायक ट्रस्ट और ओम गणपते बजरंग बोल ट्रस्ट कंपनी के प्रमोटर है। सेंको गोल्ड आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 4 जुलाई 2023 को, आईपीओ क्लोज होगा 6 जुलाई 2023 को। शेयर की फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। आईपीओ की प्राइस 301 से ₹317 पर शेयर रखी गई है। हमें कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करना है, यानी कि ₹317 पर। लॉट साइज 47 शेयर की है। टोटल इश्यू की साइज 405 करोड़ की है। फ्रेश इश्यू 270 करोड़ के हो गए। ऑफर फॉर सेल 135 करोड़ के शेयर हो गए। इश्यू टाइप ऑफ बुक बिल्ड इश्यू। आईपीओ लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों पे होने वाली है। क्यूआईबी कोटा 50% का है, एचएनआई कोटा 15% का है और रिटेल कोटा 35% का रिजर्व रखा गया है। सेंको गोल्ड आईपीओ की टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 4 जुलाई 2023 को, आईपीओ क्लोज होगा 6 जुलाई 2023 को। आईपीओ का अलॉटमेंट होगा 11 जुलाई 2023 को। पैसे कटने और रिफंड की प्रोसेसिंग होगी 12 जुलाई को। अलॉटमेंट मिला होगा उसे शेयर उसके डिबेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे 13 जुलाई को। आईपीओ की लिस्टिंग 14 जुलाई को होने वाली है। सेंको गोल्ड आईपीओ की लॉट साइज की बात करें तो रिटेल में मिनिमम एक लॉट में 47 शेयर है, उसकी अमाउंट है 14,899 रुपए। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट में 611 शेयर है, उसकी अमाउंट है 1,93,687 रुपए। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट में 658 शेयर है, उसकी अमाउंट है 2,08,586 रुपए। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 67 लॉट में 3,149 शेयर है, उसकी अमाउंट है 9,98,233 रुपए। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट में 3,196 शेयर है, उसकी अमाउंट 10,13,132 रुपए। सेंको गोल्ड आईपीओ की प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इश्यू की शेयर होल्डिंग 76.92% की है, जो पोस्ट इश्यू की शेयर होल्डिंग लिस्टिंग होने के बाद इससे कम होगी।
सेनको गोल्ड आईपीओ की रजिस्टर के बारे में बात करें तो किफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेनको गोल्ड आईपीओ के लीड मैनेजर के बारे में बात करें तो आईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, एम्बिट प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड कंपनी के लीड मैनेजर है। अब हम जान लेते हैं कंपनी की पीयर कंपैरिजन और वैल्यूएशन के बारे में। सेनको गोल्ड लिमिटेड जैसी दो कंपनियां शेयर बाजार में पहले से ही लिस्टेड है, उनमें टाइटन कंपनी और कल्याण ज्वेलर्स कंपनी शामिल है। कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो वर्ष 2021-22 की टोटल इनकम के मुकाबले सेनको गोल्ड लिमिटेड ये दोनों पीयर कंपैरिजन वाली कंपनियों से छोटी कंपनी है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15.57 का है, जो दोनों कंपैरिजन वाली कंपनियों से कम है। कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 2.32 का है। कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18.96% का है, जो टाइटन कंपनी से कम है और कल्याण ज्वेलर्स से ज्यादा है। ओवरऑल बात करें तो कंपनी की वैल्यूएशन सस्ती रखी गई है, यहाँ पर हमारे लिए वैल्यूएशन गैप छोड़ा गया है। सेनको गोल्ड लिमिटेड आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो आज का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 48 रुपए पर सेल चल रहा है, यानी कि एक लॉट पर 48 रुपए प्रीमियम के हिसाब से 2256 रुपए का प्रॉफिट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज बात करें तो 15.14% के आसपास का लिस्टिंग एंड मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या आपको इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए? तो मार्केट के मूड माहौल को देखना होगा। अगर हमें इसके ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही है तो हमें इस आईपीओ में अप्लाई करने का मन बना सकते हैं। कंपनी की अच्छी बात यह है कि कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट काफी अच्छा है। कंपनी का भारत के पूर्वी भाग में अच्छी पकड़ है। इसके लाभ में कुछ वर्षों में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है और इसकी वैल्यूएशन भी पीयर कंपैरिजन वाली कंपनियों से सस्ती रखी गई है। कंपनी की खराब बात यह है कि इस बिजनेस में कड़ी प्रतिस्पर्धी है और शेयर बाजार अब तक के उच्चतम स्तर पर है। अगर यहां से बाजार में कड़ी गिरावट आती है तो हमें इस आईपीओ में दबाव देखने को मिल सकता है। तो गाइस, आपकी इस आईपीओ के बारे में क्या राय है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो गाइस, आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपके ब्रोकर और फाइनेंशियल एक्सपर्ट की आप सलाह जरूर लें। ये वीडियो मैंने इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पर्पस के हिसाब से बनाया है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नई वीडियो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।